पियाजी या प्याज पकोड़ा बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है। 6 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, 2 हरी मिर्च चॉप कर लिया है, अजवाइन और कलौंजी, 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर और नमक। अब मैं स्लाइस प्याज को डाल लूँगी, हरी मिर्च, नमक, इन तीनों को सबसे पहले मुझे अच्छे से मसलना है। अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे। बेसन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे बेसन इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब मिलाते जाइए और देखते जाइए। चावल का आटा मिला दे रही हूँ मैं, हल्दी और अजवाइन और कलौंजी, इन सबको हमें मिक्स करते जाना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, प्याज के रस से ही एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके एक एक बॉल की तरह, मैंने रिफाइंड तेल गरम करने के लिए रख दिया था, अब मैं जो बॉल है ये एक एक करके डाल दूंगी। हमें इसे 1 मिनट के लिए बस तलना है, इसे डीप फ्राई, जस्ट 1 मिनट के लिए, और उसके बाद उसे बाहर निकाल लेना है। जैसे हल्का सा कलर आने लगेगा हम इसे बाहर निकालते हैं। इसी तरह जो बचे हुए हैं उसे भी 1-1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा गोल्डन कर लूंगी। अब मैं ये फ्राइड बॉल्स को चपटा कर दूंगी, सभी को फ्लैट करके एकदम चपटा चपटा कर दूंगी। अब मैं हाई फ्लेम में इसे दोबारा फ्राई कर लूंगी। मैं दो दो करके फ्राई कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, टर्न करते रहिए ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। प्याजी बनके तैयार है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर दिया है। इसे मूढ़ी और चाय के साथ इसका आनंद लीजिए। इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।